हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास फिफ्थ का ईवीएस का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। अगर आप केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं अपने हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना ताकि ये वीडियो और दूसरे बच्चों की रिकमेंडेशन में आ सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक करना ताकि इस चैनल पे हर एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सको। तो देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 40 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम है। बेसिकली हाफ ईयरली एग्जाम जो है आपका 80 मार्क्स का होता है, जिसे कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 40 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम है, उसके बाद 20 मार्क्स का आपका एमडीपी है, 10 मार्क्स का आपका ऑरल है और 10 मार्क्स का आपका हो जाता है जो आपकी नोटबुक होती है उसके मार्क्स से। तो इस तरह से ये पूरा 80 मार्क्स का ये हाफ ईयरली एग्जाम का पूरा कंप्लीट वेटेज किस तरह से डिवाइड किया गया है आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो रिटर्न एग्जाम जो आपका 40 मार्क्स का है, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग की जो है वो 10 मार्क्स का पोर्शन आने वाला है, यानी कि इस बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। उसके बाद 15 मार्क्स का आपका आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन का पोर्शन है और फाइनली लास्ट पोर्शन जो आपका होगा डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, ये 15 मार्क्स का आने वाला है। तो इस तरह से आपका ये 40 मार्क्स डिवाइड हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग के। तो इसमें 10 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं और ये जो 10 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स वाले होंगे। तो जैसे इंस्ट्रक्शन यहाँ गिवन है कि ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, कि यहाँ पे आपको जो पिक्चर्स गिवन है इन पिक्चर्स को अच्छे से देखना है और देखने के बाद आपको फिर इसके रिगार्डिंग में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके आंसर करना है। तो जैसे यहाँ पे एक एनिमल डिस्प्ले किया गया है और आपसे पूछा गया है नेम द एनिमल, यानी कि सबसे पहले आपको इस एनिमल का नेम लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में पूछा जा रहा है व्हाट इज इट किल्ड फॉर, और इस एनिमल को किस चीज के लिए किल किया जाता है इसके बारे में भी आपको मेंशन कर देना है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। हाफ मार्क्स आपके इस एनिमल के नेम लिखने के, हाफ मार्क्स आपके इस एनिमल को किल क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है वो भी आपको बताना है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है आपका हु इज ही। अब ये जो पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन का आपको नेम मेंशन करना है कि है कौन। और उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज ही प्लेइंग, अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट ये प्ले कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट का भी नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नेम द सोर्स ऑफ वाटर। अब ये जो पिक्चर, इस पिक्चर को ध्यान से देखो और बताओ ये सोर्स ऑफ वाटर जो है इस सोर्स का आपको नेम मेंशन करना है अपने आंसर में। और उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है फ्रॉम वेयर डज इट गेट वाटर, अब इसमें पानी जो आता कहां से, उसका प्लेस यानी कि किस जगह से आता है उस चीज के बारे में भी आपको यहां मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपसे ये जो पिक्चर आपको डिस्प्ले किया गया है, इस पिक्चर के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया नेम द फ्रूट, अब ये कौन सा फ्रूट है ये आपको बताना है। और उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है नेम एनी वन थिंग्स मेड फ्रॉम इट, अब ये जो फ्रूट है जैसे आप देख भी पा रहे हो मैंगो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट में है, कलरफुल पिक्चर नहीं है इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कि ये जो मैंगो आपके पास जो पिक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे इसका नेम और उस मैंगो से क्या क्या चीज हम अपने घर में बनाते हैं उन सारे फूड आइटम के नेम आपको मेंशन करना है। एटलीस्ट वन तो आप लिख ही दो अपने इस आंसर के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें आपको ये जो सीड है इस सीड का आपको नेम मेंशन करना है। और उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि राइट मेथड ऑफ डिस्पर्समेंट, आपको इसका जो मेथड है डिस्पर्समेंट का वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपको इस इंसेक्ट का आपको नेम मेंशन करना है, कि जैसे इस जो पिक्चर देख के आप समझ पा रहे हो इसको आइडेंटिफाई करके आपको बताना है ये कौन सा इंसेक्ट है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि विच डिसीज इट स्प्रेड, अब ये जो इंसेक्ट है कौन सा डिसीज स्प्रेड करता है, कि जो हम लोग बीमार वगैरह पड़ जाते हैं उस बीमारी यानी डिसीज का आपको नेम मेंशन करना है। ठीक है, तो ये आपके पास 6 क्वेश्चन तो ये हो गए जो कि सबके सब क्या है 1 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पर आपको अब दिखाई दे रहा होगा, इसमें इस एक्टिविटी का नेम मेंशन करना है। एक पिक्चर आपको डिस्प्ले किया जा रहा है जिसके अंदर एक पर्सन है जो कि कुछ काम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इस एक्टिविटी का नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है व्हाट डिग्री एंगल अ माउंटेनर शुड मेंटेन वाइल डूइंग द एक्टिविटी, जब माउंटेनर माउंटेनिंग एक्टिविटी करते हैं, अब एक्टिविटी भी आपको पता लग गया कि माउंटेनिंग एक्टिविटी हो रही है, तो उसमें जो जब हम इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं माउंटेन वगैरह पे, तो हमें कौन सा डिग्री मेंटेन करना चाहिए उस एंगल को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको ये जो मॉन्यूमेंट डिस्प्ले किया है, अब रेड कलर को तो नहीं डिस्प्ले किया जा रहा है, आपको ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, बट ये एक्चुअली रेड कलर का है। अब रेड का मतलब समझ चुके हो आप, रेड फोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस मॉन्यूमेंट का आपको नेम मेंशन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, वेयर इज इट लोकेटेड। अब ये कौन से प्लेस पे लोकेट है? अब जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं वो तो बहुत इजीली आंसर दे देंगे, सर रेड फोर्ट तो दिल्ली के अंदर है, और बाकी अदर स्टेट के बच्चे भी आप आसानी से आंसर इसका दे सकते हो। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दे दोगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको ये पिक्चर डिस्प्ले किया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है नेम द सी। ये कौन सा सी है जहां पे हम लोग सो सकते हैं ऐसे, मतलब हम डूबने वाले नहीं है, तो सी का आपको नेम मेंशन करना है, ठीक है। और नेक्स्ट पूछा जा रहा है व्हाई एवरीथिंग फ्लोट इन इट। अब इसमें सब कुछ फ्लोट क्यों करती है, उसके पीछे आपको रीजन क्या है, उस रीजन को यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। और फिर लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हमारा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है नेम द स्पेस क्राफ्ट यूज बाय इंडिया। हमारी कंट्री के द्वारा कौन सा स्पेस क्राफ्ट यूज किया जाता है, उसका नेम मेंशन करना है। भाई आपने सुना होगा PSLV लॉन्च कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, SLV लॉन्च कर दिया गया, इस तरह की चीज आपने सुना होगा कभी ना कभी। तो किसी भी एक स्पेस क्राफ्ट का आपको नेम मेंशन करना है जो हमारी कंट्री ने मून मिशन के लिए लॉन्च किया है, ठीक है, तो उसका नाम आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है नेम वन स्पेस रिसर्च स्टेशन। अब हमारी कंट्री में जो स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है इसरो है, तो आप इसरो का नाम यहाँ लिख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका फुल फॉर्म नीचे कमेंट में लिख के मुझे बताओ, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग बिल्कुल अवेयर हो या नहीं हो इस तरह के फैक्ट से, तो मुझे पता लगे। अगर नहीं भी पता है कोई बात नहीं, गूगल करो, सर्च करो, और सर्च करने के बाद इसरो की फुल फॉर्म नीचे कमेंट में जरूर लिखना अपने नाम के साथ, छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये जो फर्स्ट पोर्शन जो हमारा था ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, ये तो कंप्लीट हो गया 10 क्वेश्चन के। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन की, तो जिसमें आपके पास क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन गिवन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास ये स्मॉल क्वेश्चंस हैं और इन सबके आपको आंसर करना है। 5 मार्क्स का पूरा कंप्लीट वेटेज है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसके अंदर डिफरेंट 5 पार्ट्स बने हुए हैं और ईच पार्ट्स कंटेन 1 मार्क्स, हर एक के एक नंबर होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट का और डिस्कस कर लेते हैं, थिंग्स हेल्प अस टू नो अबाउट पास्ट। हम अपने पास्ट को जानना चाहते हैं, तो कौन कौन सी चीजें ऐसी होती है जो हमें हेल्प करती है पास्ट को समझने में, कॉइंस वगैरह हो गया, कोई बुक्स वगैरह हो गया, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट। जब माउंटेनियरिंग एक्टिविटी हम लोग करते हैं तो उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट की हमें जरूरत पड़ती है, आपने यहाँ पे क्या करना, उस इक्विपमेंट के नेम मेंशन करा, रूप वगैरह की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और भी क्लिप वगैरह की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें आप इसके आंसर में लिख सकते हो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है थिंग्स यूज टू प्रिवेंट वन सेल्फ फ्रॉम द मॉस्किटो बाइट्स। मच्छर वगैरह के काटने से अगर हमें कौन कौन सी चीज हमें एक तरह से प्रिवेंट करती है, हमें बचाती है, उस चीज का आपको यहाँ नेम मेंशन करना है। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप मॉस्किटो नेट वगैरह है आप वो यूज कर लो और पूरी बॉडी को कवर करके क्लोथ से पहन के रखो, यानी कि बॉडी का कोई भी पार्ट ओपन मत छोड़ो, अपने आप प्रिवेंट हो जाओगे, आपको कोई जो ये मॉस्किटो वगैरह बाइट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आप अपने आंसर में लिख सकते हो। नेक्स्ट है थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फेस्टिवल्स रिलेटेड टू मून। मून से रिलेटेड बहुत सारे फेस्टिवल हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो किसी भी एक फेस्टिवल का नेम आप मेंशन कर सकते हो। सबसे बेस्ट तो ये कि आप ईद के बारे में लिख सकते हो, करवा चौथ भी फेस्टिवल है, वहां पे भी आप ईद, वहां पे भी ये मून से रिलेटेड फेस्टिवल आप कह सकते हो। और भी बहुत सारे फेस्टिवल हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किए जाते हैं जहां पे मून का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आप ये अपने आंसर में लिख पाओगे। देखो ये मून से रिलेटेड तो मैंने आपको बता दिया, अब कमेंट करके मुझे सन से रिलेटेड जो फेस्टिवल है उस फेस्टिवल का नेम आप मेंशन करो नीचे कमेंट में, देखिए कितनी अवेयरनेस है आपकी, ठीक है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। उसके बाद नेक्स्ट है उसके बाद फिफ्थ पार्ट, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि स्पाइसी सीड्स, आपको सीड्स के नेम मेंशन करना है और कौन से स्पाइसी सीड्स के नेम आपको मेंशन करना है। तो इस तरह से आपके सामने ये 5 पार्ट्स बने हुए हैं और ये 5 के 5 जो पार्ट्स है आपके 1 मार्क्स के होने वाले हैं, और कंप्लीट अगर पांचों की बात कर लें तो 5 मार्क्स का ये पूरा कंप्लीट पोर्शन हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन के अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के नेम आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब हमारा काम क्या है कि इसको क्लासिफाई करने का काम दिया जा रहा है, और क्वेश्चन बोला जा रहा है क्लासिफाई द आइटम्स एज फ्लोटिंग एंड सिंकिंग इन वाटर। कौन कौन से आइटम ऐसे हैं इसके अंदर जो फ्लोट करेंगे यानी तैरेंगे,
एंड कौन कौन से आइटम ऐसे हैं जो सिंक कर जाएंगे, जो कि पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक टेबल, पहले तो क्वेश्चन नोट कर लोगे जैसे ये दिख रहा है, उसके बाद आप ये टेबल, जैसे यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी किया जा रहा है कि अपने सोल्यूशन में आप लोग क्या करना है, आप लोगों ने कि ये टेबल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में तो आपने सिंक लिख लिया और सेकंड कॉलम में क्या लिखा गया, फ्लोट लिखा गया। तो इन सबको ऑब्जेक्ट को वन बाय वन देखो, जो जो से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि सिंक करेंगे उसे तो फर्स्ट कॉलम में लिख लोगे, और जो सेकंड वाले में कौन से लिखोगे, जो फ्लोट करेंगे तैरेंगे। तो इस तरह से 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट के नेम आपको मेंशन किया गया, हाफ मार्क्स का 1 है। ठीक है, एक अगर आप करेक्ट प्लेस कर देते हो तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। इस तरह से अगर आप सारे ठीक ठाक कर दोगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि 2 सही करने के 1 नंबर और 10 सही करने के 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक एक करके इनको रीड करो और उसके बाद उसे करेक्ट कॉलम में से प्लेस कर दो। इसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन के अंदर थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में एक डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है, और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमारा एक डायग्राम गिवन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि लेबल द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स गिवन। अब देखो बॉक्स तो यहाँ पे गिवन होना चाहिए, बट मैंने जानबूझ के आपका ये जो बॉक्स है इसे रिमूव कर दिया है। ठीक है, एग्जाम में कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कीवर्ड्स गिवन भी हो, ठीक है, वर्ड्स वगैरह गिवन भी हो, और कई बार ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि ड्रॉ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन। ठीक है, दोबारा सुनो, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है। यहां तो मैंने आपको डायग्राम बना हुआ दिखा रहा हूं, बट कई बार एग्जाम में क्या होता है कि डायग्राम भी नहीं आएगा आपके पास, आपको डायरेक्टली बोल दिया जाएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है उसे भी ड्रॉ करो और उसके जो नेम्स वगैरह डिफरेंट पार्ट्स के वो मेंशन करो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्ड्स जानबूझ के रिमूव कर दिया है, ठीक है, ताकि आप एक अच्छी सी प्रैक्टिस कर सको। तो यहाँ पे आपको ये तो ड्रॉ करना अच्छे से आना चाहिए और उसके बाद लेबल करना है, यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं इसके, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक एक चीज के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपकी जो ईवीएस की जो बुक है लुकिंग अराउंड, उसके अंदर, बुक के अंदर भी आपको ये पिक्चर गिवन है, तो वहां से अच्छी सी प्रैक्टिस करो। डायरेक्ट एग्जाम में ड्रॉ करना बहुत टफ होता है, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हमें आता है सब कुछ कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। एग्जाम से पहले घर पे 2-3-4-5 बार प्रैक्टिस जरूर करो, जितनी टाइम आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा भी डायग्राम बना पाओगे, नहीं तो भाई जो टाइम है कब एग्जाम में खत्म हो जाएगा, आप कर भी नहीं पाओगे। तो आपने ये डायग्राम घर पे प्रैक्टिस करना है, ड्रॉ करना है और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसके नेम आपको मेंशन करने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, ये 5 मार्क्स का आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो 15 मार्क्स का जो पूरा कंप्लीट पोर्शन है आपका आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन के अंदर, 3 क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किए जिसके अंदर अलग अलग तरीके से ये 15 मार्क्स हो गए अलग अलग क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। फिर फाइनली लास्ट पोर्शन है आपका डिस्कवरी ऑफ फैक्ट का है। अब डिस्कवरी ऑफ फैक्ट के अंदर सबसे पहले जो आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको बोला जा रहा है आंसर द क्वेश्चंस गिवन। अब ये जो गिवन क्वेश्चंस हैं, इन सबके आपको आंसर करने हैं, और हर एक क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो 2 मार्क्स का है, यानी कि 5 क्वेश्चन है और हर एक के 2-2 नंबर है, और इस तरह से आपका ये 10 मार्क्स का कंप्लीट पोर्शन हो जाएगा। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका ए पार्ट, जिसमें पूछा जा रहा है नेम द थिंग्स दैट इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट। किसी भी फोर्ट की सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करती है, वो सारी चीजें आपको लिखना है। अब देखो भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट 2 सेंटेंस में या फिर 2 रीजन तो अपने आंसर में जरूर लिखना। 1 लिख के छोड़ दोगे तो नंबर भी 1 आएंगे, ठीक है, तो 2 लिखोगे तो आपके पास 2 मार्क्स यानी 2 मार्क्स आपको इजिली मिल पाएगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट है बी, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड्स का जर्मिनेशन क्या होता है, इसकी मीनिंग, प्रोसेस, डेफिनेशन, ये आपको इसके अंदर मेंशन करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द कंडीशंस नीडेड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। देखो इस क्वेश्चन में आपको कंडीशंस पूछा जा रहा है, कंडीशन आपको लिख देना है, ठीक है, सेकंड पार्ट में, और फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि इसका जो प्रोसेस है या जर्मिनेशन होता क्या है, इसकी मीनिंग डेफिनेशन ये लिख देना। देखो अगर आप अपने आंसर को और अच्छा बनाना चाहते हो तो इसमें डायग्राम जब आप ड्रॉ करोगे, डायग्राम ड्रॉ वगैरह करके करोगे, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपका जो एक प्रेजेंटेशन होगा बहुत बढ़िया होगा। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आप करो तो उसमें डायग्राम जरूर ड्रॉ करो, जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हो तो एक अच्छा इंपैक्ट जाता है आपके टीचर्स को, और फिर उसके बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सी पार्ट, जिसमें बोला जा रहा है व्हाई आर द ग्रेन्स ड्राइड इन द सन बिफोर बीइंग पैक्ड। अब आपने देखा होगा बहुत सारे जो ग्रेन्स वगैरह जो होते हैं, जब हम उसे ओपन स्पेस पे रख देते हैं तो सूरज की गर्मी की वजह से, हीट की वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो सारे के सारे जो हो जाते हैं
उसे अच्छे से रख देता है, उसके बाद उसे पैक किया जाता है। यानी कि ऐसा क्यों किया जाता है, उसके पीछे रीजन पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट ऐसे नहीं तोड़ा और डाल दिया, नहीं, उसे पहले धूप में रखा जाता है और उसके बाद उसकी पैकिंग वगैरह की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे आपको एक रीजन मेंशन करना है। और रीजन कितने लिखोगे, एटलीस्ट 2 रीजन करोगे कि भाई उसके उसमें खराब वराब ना हो, उसकी सेफ्टी के लिए, लॉन्ग लास्टिंग के लिए। आप कह सकते हो जैसे आपके घर में चना वगैरह होगा, बहुत सूखा हुआ होता है, बाद में उसे हम पानी वगैरह में डालते हैं, भिगोते हैं और फिर स्प्राउट वगैरह बनाते हैं या फिर कुछ और चीजें बनाते हैं, ठीक है। जब हम धूप में रखते हैं उसे, तो वो ड्राइड होने से क्या होता है, वो खराब नहीं होता, फंगस वगैरह उसमें नहीं होता। तो ये सारी चीजें अपने आंसर में लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये फोर्थ पार्ट डी, व्हाई हैज गवर्नमेंट मेड द लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल। गवर्नमेंट ने कई सारे लॉ बना रखे हैं जिसके अंदर ये है कि जो भी एनिमल्स हैं और खासतौर पर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं यानी कि जो जंगल वगैरह में रहते हैं, उसे कोई भी नहीं पकड़ेगा, पकड़ के अपने घर में नहीं रखेगा। गवर्नमेंट ऐसा रूल क्यों बनाया हुआ है, उसके पीछे आपको रीजन लिखना है। अब एक तो ये बोल सकते हो सर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, इसलिए भी, और दूसरा ये ह्यूमन बींग के भी सेफ्टी के लिए, क्योंकि वाइल्ड एनिमल है तो भी हमें भी हमारे लिए भी हार्मफुल हो सकता है। तो आप ये चीजें कर सकते हो, लिख सकते हो। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीसीज होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट ऐसे रूल बनाती है कि भाई कोई इनको छेड़छाड़ ना करें, इन्हें मारे ना, परेशान ना करें, ठीक है, क्योंकि अगर सब कुछ मार देंगे खत्म कर देंगे इन्हें, तो भी हम लोग कैसे होंगे, जो एक डाइवर्स कल्चर जो हमारा रहता है वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। यानी कि इसको प्रिवेंट करने के लिए, इनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आप कह सकते हो गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स वगैरह लॉ वगैरह बना रखे हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 रीजन जरूर लिखना। और उसके बाद नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाई एनिमल्स हैव सुपर सेंसेस, कि एनिमल्स के सुपर सेंसेस क्यों होते हैं, ह्यूमन बींग्स के तो होते हैं, एनिमल्स के क्यों होते हैं, इसके पीछे आपको रीजन लिखना है। व्हाई का मतलब यहां पे क्या है, रीजन लिखना है। और एटलीस्ट कितने रीजन लिखोगे, 2 रीजन तो आपको लिखना ही लिखने हैं। तो इस तरह से आपके ये 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स के और 10 मार्क्स का ये पूरा कंप्लीट पोर्शन हो जाएगा। बेसिकली ये जो अगर हम बात करें ये डिस्कवरी ऑफ फैक्ट का, ये 15 मार्क्स का पोर्शन है, तो 10 मार्क्स में तो ये पूरा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको इंडिया का मैप दे दिया जाएगा और इंडिया के मैप के अंदर कुछ कुछ प्लेस को प्लॉट करने होंगे। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका 5 मार्क्स का है, और इसमें आपको बोला जा रहा है कि प्लॉट ऑन मैप ऑफ इंडिया एंड द आर्क्ड मॉन्यूमेंट्स एंड इन विच स्टेट इट लाइज। अब आपको ये बता रहे हैं ये जो मॉन्यूमेंट्स के नेम आपको मेंशन किए गए हैं, ठीक है, इन सबको आपको इंडिया के मैप में आपको प्लेस करना है, और साथ के साथ यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है उनमें ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट का आपको नेम भी मेंशन कर देना है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट है आपके पास गोलकोंडा फोर्ट, तो गोलकोंडा फोर्ट कौन से स्टेट के अंदर है ये लिखो, और उसके बाद उस स्टेट को आइडेंटिफाई करके उसे प्लॉट कर दो। नेक्स्ट है आगा खां प्लेस, तो ये प्लेस कहां पे है इसके बारे में मेंशन करना, हवा महल कहां पे है ये भी आपको मेंशन करना है, और नेक्स्ट है फोर्थ सांची स्तूपा ये कहां पे ये बताना है, और फाइनली लास्ट में ताजमहल ये कौन से स्टेट में है, कौन से प्लेस में ये मेंशन करूंगा। मैं तो ये कहूंगा वो सिटी है जो प्लेस है, पहले तो सिटी का नाम लिखना, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या करना, आप स्टेट का नाम लिख देना, ये बेटर वे होता है आंसर को लिखने का। और यहाँ प्लॉट तो आपको करना ही है, जैसे फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं, मान लो जैसे यहाँ पे ताजमहल है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे लिख दोगे पहले ताजमहल, एक एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब कौन से स्टेट में बिलोंग करता है ये ताजमहल, तो आप कहोगे सर ये उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में क्या है, आगरा के अंदर, तो आगरा लिखा और उसके बाद लिखो उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह से जब आप आंसर करोगे, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दोगे कि भी आपने प्लेस का नाम बताया, ठीक है, उसके बाद प्लेस के अंदर आपने सिटी का भी नाम मेंशन किया और स्टेट का नाम भी मेंशन किया और जो भी मॉन्यूमेंट है उसका नाम भी मेंशन किया, तो एक बेटर वे होता है किसी भी आंसर को रिप्रेजेंट करने का। तो घर में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस करिए, इनको लिख लिख कर देखिए, तब जाके होगा, ठीक है। तो मॉन्यूमेंट्स वगैरह, स्टेट्स के नाम वगैरह, ये आपको लर्न होना चाहिए। तो इस टाइप का आपका ईवीएस का क्लास 5th का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे और कंटेंट में लेके आऊं। क्लास 5th की ये सारे चैप्टर्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, चैनल पे जाइए और जाकर ये सारी वीडियो देखिए। बाकी फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी इन सारे चैप्टर्स के लिंक्स भी मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, जहां क्लिक करके ये सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक करना, ताकि हर जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूं सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर कोई डाउट रह गया, कोई पार्ट्स आपको लग रहा है क्लियर नहीं हुआ, मैंने स्किप कर दिया है, तो नीचे कॉमेंट में लिख के पूछ लो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे
फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @MrKrishnaSah, या पर्सनली आप अपने सारे डाउट्स वगैरह मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।